दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगा। गिरा उसका। ओए अरे यार, मुझे नहीं पता था आपकी एक्स की मदर है वो। एक्स? इसके मुंह में जलता हुआ अंगारा रखो। अरे सही तो कह रहे, इतने बड़े साने आपके बाद देंगी वो अपनी बेटी का रिश्ता आपको? क्यों कर रहे हो सब? तुमने पानी फेंका, इसको तो कोई पकड़ नहीं रहा। इसको मार ही दूंगा। इधर दिखाओ। मैं छोड़ ना, बचाओ। मेरी शादी में आओगे तुम? हमें क्या मार रहे हो? अरे तू और तुम ये लो। आप मेरे क्या कर रहे हो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करूंगी तुम्हारी वहां शादी। जानती हो उसका बाप कौन था? कौन? अरे वो पेट्रोल पंप पर मिलने वाला खपती इंसान। गुलजार अंकल, मैं तभी कहूँ शक्ल जानी पहचानी लग रही थी मुझे। तुमने कहाँ देख ली उसकी सस्ती कॉपी? वो सारिम ने ना सारी फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स दिखाई मुझे। लड़की की माँ थी काफी दबंग और खानदानी औरत। शहजादे सलीम, शायद आपने उसको अनारकली समझ लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि बाबू भैया जलालुद्दीन अकबर बनकर टाइम पर आ गए और चली गई वो, वरना तो बाहर की दीवार देखिए ना, चुनवा देती मैं आप दोनों को उसमें। अस्तगफुरल्लाह। अरे चांद मियां, समझाओ अपनी चची को, जब से ब्याह करके आई है शक किया जा रही है मुझ पर। चची समझ जाना आप, और आप प्लीज जाके मच्छू के बच्चों को कुछ समझा लें, जरा जो तमीज हो मेहमानों से कैसे बात की जाती है। खुदा ना खासा इनकार तो नहीं कर दिया उन्होंने? अल्लाह ना करे चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा मुझे गाड़ी की चाबियां दे दे, मुझे जरा काम से जाना है। ये इधर ही कहीं पड़ी है, देख लो। अरे चांद, टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये तो सही कह रही हैं आप। अरे पर ऐसी स्टाइलिश माँ कहाँ मिलेगी। अरे बस कर देंगे, हाथ पर हिलाना, किसी दिन टूट कर जमीन पर आ गिरेंगे। अरे जिम क्यों नहीं चले जाते? अरे छोड़ो, जो काम चलते फिरते हो जाओ, उसके लिए अलग से क्या टाइम निकालना।